मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं KNTV न्यूज। मनोरंजन जगत में हर रोज की तरह खूब हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां SS राजामौली की फिल्म RRR पूरी दुनिया भर में अपनी सफलता का डंका बजा रही है और अभी हाल ही में इस फिल्म में एक नाटू नाटू गाने पर अक्सर ही लाइव परफॉर्मेंस होने की बात की जा रही है। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से फिल्म एक दूसरे गाने बिली बिली का टीजर सामने आ चुका है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बीते दिनों काफी हलचल हो रही है। आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड और टेलीविजन जगत से जुड़े सभी खबरों के अपडेट के बारे में। रामचंद्र जूनियर, NTR और आलिया भट्ट स्टार फिल्म RRR पूरी दुनिया भर में सफलता के झंडे गाड़ी है। SS राजामौली की फिल्म में एक के बाद एक एक अवार्ड के सम्मानित किया जा रहा है। ऑस्कर के नॉमिनेशन में पहले से ही जगह बना चुकी RRR को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। ऑस्कर अवार्ड में राहुल सिपलीगंज और काल भैरव नाटू नाटू गाने पर परफॉर्म करते नजर आएंगे। इसके अलावा सलमान खान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म की आने की खबर सुनकर पहले ही भाई जान के चाहने वालों का एंटरटेनमेंट बढ़ा दिया है। अब किसी का भाई किसी का जान का नया गाना बिली बिली रिलीज होने वाला है। रिलीज से पहले सलमान खान ने सॉन्ग का टीजर जारी किया था। साथ ही रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इस फिल्म के प्रमोशन में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। रणवीर कपूर और अर्शद कपूर के साथ बॉलीवुड के यंग एक्टर कार्तिक आर्यन के भी नजर आने की खबरें सामने आई है। हाँ दोस्तों, कार्तिक आर्यन भी इस मूवी में हो सके तो दिख सकते हैं। कार्तिक आर्यन इस फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे। ये फिल्म को लव रंजन ने डायरेक्ट किया है। आपको बता दें कि बिग बॉस 16 के विनर MC स्टैन लगातार एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर तस्वीरों में खूब वायरल हुई थी। बिग बॉस जीतने के बाद उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए भी अप्रोच किया गया है। टेलीविजन पर रामायण सीरियल में सीता के किरदार निभाकर घर में मशहूर हुई देवना बनर्जी हाल ही में एक नया वायरस के चपेट में आ गई है। इस वायरस का पता चलने के बाद फिलहाल एक्ट्रेस अपने परिवार से दूर है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। आपको बता दें कि देवना अपने परिवार के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने इंटरनेशनल ट्रिप पर गई थी, लेकिन वापस आने के बाद उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चल गया, जिसके बाद से ही उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और वो अपने पति और बच्चों से अलग रह रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू अपडेट के साथ KNTV न्यूज पर। धन्यवाद।